मेघालय विधानसभा के नव निर्वाचित माननीय सदस्यगण, विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री थॉमस ए संगमा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा जी, पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री और जिनको एक लंबा समय विधानसभा में रहा और जो पहली बार चुनकर आए, सभी माननीय सदस्यों का मैं संसद में प्राइड की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि मेघालय विधानसभा के निर्वाचन के बाद आप संसदीय प्रक्रियाएं, नियमों, परंपराओं, प्रॉपर्टियों को समझने, अनुभव करने और उसके साथ साथ मेघालय विधानसभा की अच्छी परंपराएं, प्रॉपर्टियों को भी आपस में साझा करने के लिए यहां पर आए। मेरा 25 फरवरी 2021 को मेघालय विधानसभा में आना हुआ था। उस समय हमारा प्रोग्राम था कि किस तरीके से हम पंचायत राज संस्थाएं, जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत और जनता से सबसे जुड़ी संस्था है, उसको कैसे सशक्त करें, मजबूत करें। प्राइड लगातार लोकतांत्रिक सभी संस्थाएं, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका, नगर निगम, नगर कारपोरेशन हो, विधानसभाएं हो, विधान परिषद हो, उसका प्रयास रहता है कि संसदीय अनुभवों को साझा किया जाए और परस्पर उन अनुभवों को आदान प्रदान कर एक सर्वश्रेष्ठ विधायिका बनाने का प्रयास करें। मेघालय का उदाहरण भी उसमें से एक है, जहां पर सदन में चर्चा होती है, संवाद होता है, सहमति असहमति भी होती है, लेकिन व्यवधान नहीं होता और बेल में नहीं आते। ये एक अच्छी परंपराएं हैं जो हमारी विधान मंडलों के अंदर, चाहे संसद के अंदर, सबको इन परंपराओं को हम किस तरीके से अच्छी प्रॉपर्टियों को विधान मंडलों में लागू करें, क्योंकि ये सदन चर्चा के लिए है, विचार विमर्श के लिए है, विषयों पर, अपने विकास के मुद्दों पर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को रखने के लिए, और किस तरीके से हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को इन सदनों के माध्यम से पूरा करें। मैं भी 3 बार विधानसभा में रहा हूं। मेरा मानना है कि राज्य के अंदर विधानसभा का भी प्रत्यक्ष रूप से विधायक का बड़ी संवाद रहता है,
और राज्यों के विषयों को लेकर जो ज्यादा राज्यों के विषय होते हैं उन विषय अपने विकास के मुद्दे उठाना, वहां की लोगों की कठिनाइयों को उठाना और कुछ मुद्दे जो राज्य के होते हैं उन मुद्दों को भी उठाना। मेरा मानना है कि देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी है। और दुनिया के अधिकतम देश लोकतांत्रिक परंपराओं और परपार्टी से चले, ऐसा सभी देश प्रयास कर रहे हैं। जहां एक दल है वहां भी संसद है, वह भी संसद के माध्यम से विषयों पर चर्चा करते हैं। तो लोकतंत्र में ये चर्चा संवाद सहमति असहमति ये लोकतंत्र की हमेशा विशेषता रही है। जब तक हम विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे और कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर सहमति असहमति होती है, लेकिन प्रदेश के हित में देश के हित में कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें व्यापक सहमति भी होती है। तो मेरा मानना है कि चाहे पुराने विधायक हो चाहे नए विधायक हो, हम विधानमंडलों में क्या नया कर सकते हैं, क्या दुनिया और देश की अच्छी परंपराओं प्रपाटियों को लागू कर सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि मेघालय एक महत्वपूर्ण राज्य है, दूर दराज का फैला हुआ राज्य है, बहुत बड़ी जनसंख्या में आदिवासी और किसी जमाने में पिछड़े थे लेकिन विकास में वह भी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बात कौन सरकार तक पहुंचाएगा, चुने जनप्रतिनिधि पहुंचाएंगे। और सरकारों से भी अपेक्षा की जाती है कि जो सदन में उठाए गए मुद्दे हैं उनको सरकार गंभीरता से समझे और ये मुद्दा क्यों उठा उस गंभीरता से उसका समाधान करने का प्रयास करे। अगर सरकार भी सकारात्मक रूप से विचार कर उसका समाधान करेंगे तो शायद सदन के अंदर सारे राज्यों के मुद्दे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र के मुद्दे आ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो मेघालय विधानसभा जो अच्छी परंपराएं हैं वो श्रेष्ठ परंपराएं हैं। हर विधानसभा में स्वायत्तता है, उनकी नियम प्रक्रियाएं रूल्स बनाने का काम उस राज्य की विधानमंडल या विधानसभाएं करती है। और हमारी सबकी कोशिश रहती है कि हम नियम प्रक्रियाओं के तहत जो नियम विधानसभा में बनाए हमने बनाए उन नियम प्रक्रियाओं के तहत अपने मुद्दों को रखें। सहमति असहमति हो सकती है, सरकार की नीतियां पॉलिसी की भी आलोचना की जा सकती है,
करना चाहिए। मुद्दों को पर ध्यान भी सरकार का लाना चाहिए, लेकिन नियोजित तरीके से विधानसभाएं स्थगित कराना ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। और ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित भी नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे माध्यम से, हमारे प्रयासों से हम राज्य की जनता का कैसे कल्याण कर सकते हैं, उनके जीवन के सामाजिक आर्थिक जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, जितना अधिक संवाद माननीय विधायक का जनता से रहेगा उतना ही श्रेष्ठ परिणाम देंगे। और विधानसभा में मुद्दे रखते समय या कानून बनाते समय जितना हमारा अध्ययन होगा कि जो रूल्स पहले बने थे, जो कानून पहले बने थे, जिन कानूनों में पहले संशोधन हुआ उनका क्या प्रभाव हुआ, कानून बनने के बाद कितने समय बाद रूल्स बने, कई बार ये भी अनुभव आया कि कानून बने हुए काफी समय हो गया, रूल्स बने हुए काफी समय गुजर जाता है। तो हमें समय समय पर यह बनना देखना चाहिए कि कानून बनने के बाद रूल्स, कानून में संशोधन हो, और जब डिपार्टमेंट रूल्स बनाए उसमें बहुत दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए, और वह रूल्स स्टेबल होना चाहिए, और उन रूल्स का भी हमें अध्ययन करना चाहिए, और जो कानून में संशोधन उसका क्या प्रभाव पड़ा, जिस उद्देश्यों के लिए कानून में संशोधन किया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति की नहीं की, यह भी हमें अध्ययन करना चाहिए, प्रभावों का अध्ययन भी करना चाहिए। कई बार सदन में जब कानून बनते हैं तो जब तो डिबेट होती है, लेकिन डिबेट के बाद उस कानूनों के प्रभाव का आकलन नहीं होता। इसलिए हमारी संसदीय कमेटियां जो हैं वह उसका अध्ययन करना चाहिए, और फिर आवश्यकता हो कि कुछ कमी रह गई तो फिर उसके लिए सरकार से आग्रह करना चाहिए कमेटियों को कि ये रूल्स में और परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि जिस उद्देश्य के लिए हमने रूल्स बनाए थे उसकी पूरी प्राप्ति हो जाए। और सब सरकारें यही प्रयास करती है कानून बनाते समय कि हम अधिकतम कल्याण करें, पारदर्शिता लाएं, लोगों को, जनता को सुविधा रहे। इसलिए संसदीय समितियों का भी डिबेट अनुभव बहुत बड़ा लाभ करता है, और संसदीय समिति की रिपोर्टों के आधार पर जो संसदीय समिति की रिपोर्ट टेबल हो जाए उसकी भी जानकारी आपको डिबेट और चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मेरा एक आग्रह यह भी रहता है कि संसदीय समिति की रिपोर्टों को भी हमें अध्ययन करना चाहिए। बजट के बाद बजट के आकलन का भी अध्ययन करना चाहिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्टों का भी अध्ययन करना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट का भी अध्ययन करना चाहिए, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हमें संसदीय के या विधानमंडल के रूल्स और नियम प्रक्रियाएं तो जब नए विधायक आते हैं तो पढ़ना ही चाहिए। कई बार हम पुराने विधायकों को भी पूरे रूल्स का अध्ययन नहीं होता, और उस राज्य के अंदर जो संविधान के अंदर जो कुछ भी राज्य को अधिकार दिए गए हैं उस संविधान और विधानसभा के रूल्स दोनों को जॉइंटली अध्ययन करना चाहिए। मेरा मानना है कि क्यों पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर संविधान में भी आपको कई विशेष अधिकार दिए गए हैं, और क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग तरह की होती है,
इसलिए भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहां के आर्थिक परिवर्तन, लोगों के परिवर्तन लाने में हमारा क्या योगदान होना चाहिए। कई बार मैं विधानसभाओं में देखता हूं कि पॉलिसी पर बहुत चर्चा नहीं होती, और मेरा मानना है कि विधानसभाओं में पॉलिसी पर बहुत चर्चा होनी चाहिए, सरकार की नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए, जहां आलोचना की आवश्यकता हो आलोचना भी होना चाहिए, जहां सकारात्मक सुझाव की आवश्यकता हो सकारात्मक सुझाव भी होने चाहिए, जिन नीतियों पॉलिसी को बनाया उसके प्रभाव का आकलन भी होना चाहिए। तो एक अच्छा इंपैक्ट हम विधानमंडलों के माध्यम से ला सकते हैं, और लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई संस्था नहीं है जिससे हम लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सके। इसलिए आप सबका सौभाग्य है कि आपको लंबे समय, कई विधायकों को मैं देख रहा हूं कि बड़ा लंबा अनुभव विधानसभा का है, और सौभाग्य से हमारे लोकसभा स्पीकर संगमा साहब ने का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन संसद की नियम प्रक्रियाओं परंपराओं प्रपाटियों में रहा है, उनके संसदीय अनुभव का लाभ हमें भी मिल रहा है। हर अध्यक्ष का लाभ आने वाले अध्यक्ष को मिलता है, और हमारे पूर्व अध्यक्षों ने जो जो भी संसदीय अनुभव के आधार पर रूल्स में परिवर्तन किए या परंपराएं या अध्यक्ष निर्देश दिए, उसकी समीक्षा करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर बार रूल्स कमेटी की मीटिंग होना चाहिए, सबके सुझाव लेना चाहिए, और कुछ अच्छी परंपराएं डालने का विधानमंडल में प्रयास करना चाहिए। सदन ज्यादा दिन तक चले, प्रभावी रूप से चले, समय के बाद भी चलें, विशेष रूप से सब माननीय नए सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिले, डिबेट में चर्चा में रूल्स बनाने में कानून की बहस, कानून बनते समय डिबेट करते समय हमारी विधानसभाओं में एक रिसर्च विंग भी होना चाहिए, और रिसर्च विंग के पेपर समय समय पर जब कभी कानून सरकार लाए उसके पहले कानून के आकलन प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जो रिसर्च किया उसका पेपर भी सभी विधानसभा के सदस्यों के पास होना चाहिए। मेघालय की लाइब्रेरी भी बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उन सब विधानसभा लोकसभा की लाइब्रेरी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सारे विधानसभा लोकसभा की कार्यवाहियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, ताकि हम अन्य विधानसभा की कार्यवाहियों का भी अध्ययन कर सके, उनके बजट का अध्ययन कर सके, उसमें डिबेट पर होने का अध्ययन कर सके, वहां पर जो रूल्स कानून बनते हैं उसका अध्ययन कर सके। इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर हमने लाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इसको एक प्लेटफॉर्म पर ला देंगे, और हमें सारे अपने राज्यों में जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को उस राज्य विधानमंडल की जिम्मेदारी समय समय पर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उनको लगातार प्रशिक्षण करती रहे, ताकि उन संस्थाओं के अंदर भी जो सीधी जनता से जुड़ी रहती है उनमें जितना बेहतर हम चर्चा संवाद कराएंगे, जितनी बढ़िया डिबेट कराएंगे, जो उनके निर्णय आएंगे उससे हमें सरकार को भी लाभ होगा और उनकी समस्याओं को विधानमंडल में उठाने का भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपके यहाँ काउंसिल है, उसकी क्या क्या
निर्णय हुए, उन निर्णय के आकलन का प्रभाव भी विधानसभा में हम चर्चा कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आप यहाँ पर आए और आप जैसी परंपराएं प्रॉपर्टियां सभी विधानसभा में रहें, चर्चा हो, डिबेट हो, सहमति असहमति हो, लेकिन व्यवधान न हो, शोरगुल न हो, ऐसी परंपराएं और विधानमंडल में बने, ऐसी अपेक्षा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।